हेलो जी, सत श्री अकाल। वेलकम टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्थी। अज मैं थोड़े नाल शेयर करन वाली हाँ अपना लाइफ एक्सपीरियंस एज ए ड्वार्फ। हुण तुहानू बहुतियां नूं ड्वार्फ का मतलब नहीं पता होना, उहदा मतलब हुंदा आ लिटल पीपल या छोटे कद वाले लोग। एज ए ड्वार्फ मेरी लाइफ हुण तक किदां दी रही, अज मैं थोड़े नाल वो शेयर करन वाली हाँ। फस्ट टाइम जदों मैनू इस गल का पता लगे कि मैं दूसरे तो वक्री हाँ, वो सी मेरा सिक्स क्लास का फर्स्ट डे असैम्बली टाइम, जो मैं अपने स्कूल के दो टीचर्स नो मेरे बारे गल करते हुए सुनिया कि मतलब वो मैं टॉन्ट नहीं कर रहे थे, जस्ट आपस में डिस्कस कर रहे थे मेरे दोनों टीचर कि मैं अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के नालों सब नालों हाइट छोटी हूँ तो फेस वाइज मच्योर। उन्हां दी ये गल सुन के मतलब हुण तक मेरी लाइफ जिहड़ी सी वो नॉर्मल सी, मैं एकदम डर गई, सहम गई। घर आके भी मैं किसी नहीं दसिया, मेरे माइंड च बहुत सारे क्वेश्चन आने लग गए कि मैं बाकियों तो डिफरेंट किदा हो गई, जिदा कि मैम अज इदा गल क्यों कर रही सी। उस वक्त मतलब एज इन्नी छोटी सी कि मैं इन्होंने सारिया गलों समझ नहीं पा रही सी। मैं सारा दिन यही नोटिस करती रही कि वह भी मेरे तो हाइट च लंबी, वह भी मेरे तो हाइट च लंबी है, असी सेम एज सेम क्लास के बच्चे, तो मेरे नाल इदा अज क्यों हो रहा है कि जो तक मतलब फिफ्थ क्लास तक इदा का कुछ नहीं सी मेरे। मैं स्कूल भी चेंज किया, नवा स्कूल नवी जगह, उतो फस्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस कि मैं बाकी तो डिफरेंट हाँ। मैं बहुत ज़्यादा उस दिन डर गया। उस दिन मेरे माइंड च आया भी शायद मैं क्लास जाना तो मैं किसी ने बुलाना नहीं, क्योंकि जिदा टीचर गल कर रहे थे मैं बाकियों नालों वक्री दिखती है या डिफरेंट लुक आ मेरी, तो मैनू तो किसी ने बुलाना नहीं। न्यू स्कूल आ, मेरे फ्रेंड्स नहीं बनने हूँ, पर इदा का कुछ होया नहीं। स्टडी नॉर्मल चली, बस ये कि जो मैं बाहर आती जाती सी तो वो लोगों का मुड़ मुड़ के देखना, मेरे वल हसना या कुछ इदा के वर्ड यूज़ करने कि जिद नाल ना मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होंगी सी कि कितने बाहर मैं जाऊँ। सो मैं अपने आप को मतलब घर के बीच ही, घर तो स्कूल तो स्कूल तो घर, यही लाइफ मेरी रह गई। फिर मैं डिसाइड किया कि मैं कितने जाना ही नहीं, ना किसी फैमिली फंक्शन पर, ना वैसे ही घूम फिरन लिए जाना ही नहीं, मैं कितने मैं घर ही ठीक हूँ। क्योंकि वो सारा कुछ सुनने तो बाद मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती सी, तो जिदा करके फिर मेरा स्टडी के बीच भी मन नहीं लगता सी। मैं इदा ही किया। उस दिन तो बाद जो भी कितने पेरेंट्स ने फैमिली फंक्शन पर जाना हों या कि बहर घूमन लिए जाना हों, तो मेरा हमेशा यही बहाना हों कि मैं पढ़ना है, मेरा कल वो टेस्ट है। मैं गुस्से होंगे सी कि जो तेन पता है कि जाना है सब ने, तो फिर तू टेस्ट पहला याद क्यों नहीं किया। तो मैं हमेशा मेरा अगला बहाना या एक्सक्यूज़ तैयार होंगे सी कि अज मैं रिटर्न वर्क बहुत ज़्यादा मिले सी, जिस करके मेरा टेस्ट प्रिपेयर नहीं हुए, तुसी जाओ। ये कह के मैं गल खत्म कर देती सी, अपनी कोई ना कोई बुक ओपन करके उन्होंने पढ़न लग जाती सी ताकि उन्होंने लगे कि नेक्स्ट डे मेरा टेस्ट है। काफ़ी गुस्से होने तो बाद बहुत बार इदा होंगे कि वह जबरदस्ती मैं अपने नाल लैके जाते होंगे सी। फिर हर हर कोई जो भी देखता सी मेरे वाल, मैं यही फील होंगे सी कि वह मैं इस वजह ना देख रहे क्योंकि मैं बाकियों तो डिफरेंट हाँ। सो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती सी, बिल्कुल इंजॉय नहीं सी कर पाती। सो मैं बहुत अवॉइड करती सी कि मैं कित भी ना जाऊँ, तो 99% मैं घर ही रही सी। उस टाइम मेरे नानी जी भी होंगे सी, तो मम्मी उन्होंने कोल मैं छड़ जाते घर। हौली हौली कॉलेज कंप्लीट होया, कॉलेज मैं अज भी याद है जो मैं फाइनल ईयर च मेरा लास्ट एग्जाम सीगा अप्रैल दे मिड दे तक सीगा, तो मैं सोचा कि जब तक रिजल्ट नहीं आता तद तक ना मैं फ्री नहीं बैठना, मैं किसी स्कूल के बीच प्राइवेट टीचर लग जाना, क्योंकि मेरी हाइट छोटी सी, तो इस करके मैं उस स्कूल जाना सही समझा जिस स्कूल मैं प्राइमरी तक पढ़ी सी, क्योंकि मेरे को उस वक्त डिग्री भी है नहीं सी। मेरे मन चाहिए सी ये नहीं सी कि मेरी हाइट छोटी है, मैनू नहीं पता सी उत्थे जाके मेरे नाल की होने वाला है या मैं की एक्सपीरियंस करने वाली है, तो मैं नॉर्मली घरों गई क्योंकि मैनू पता सी मैं उत्थे पढ़ी हाँ, उन्होंने पता है
कि वो मेरी हाइट को शायद इग्नोर करके मैं जॉब दे देंगे, तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंट होके करूँगी। उत्थे जाके दसिया कि मेरे को हाले डिग्री तो है नहीं, एग्जाम हुए है, मैं फ्री हाँ, तो इस करके मैं थोड़े स्कूल जॉब करना चाहती हूँ। उन्होंने मैनू उस वक्त कुछ नहीं किया, फॉर्म फिल करवा लिया, तो उन्होंने मैनू सिर्फ ये कह के भेज दिता कि असी तुहानू बुला लूंगे। मैं भी खुशी खुशी घर आ गई, पर फिर बाद विच मैनू पता लग्या कि उन्होंने मैनू वो जॉब नहीं देनी क्योंकि मेरी हाइट छोटी। मैनू उस दिन बहुत बुरा लगा, टुट गई मैं अंदरों कि मतलब काबिलियत कोई मायने नहीं रखती, कि मतलब फिजिकल अपीयरेंस इन्नी ज़्यादा मैटर करती है कि कौन किन्ना काबिल है ये जरूरी नहीं है। जस्ट फिजिकली तुसी लुक तड़ी वधिया है, तुसी नॉर्मल हो तो ठीक है, चलेगा, चाहे तुसी एवरेज स्टूडेंट भी हो। उस दिन तो बाद मैं होर मतलब स्कूल च नहीं, होर दो तीन जगह ऑफिस भी ट्राई किया, तो उन्होंने भी रिप्लाई यही सी कि मैंने जॉब नहीं दे सकती। सो मैं होता नहीं सोचा क्योंकि मैं अपना टाइम मतलब शुरू तो मैं इस गल बिलीव कर दी है कि मैं टाइम नहीं वेस्ट करना। दुखी तो मैं सी, टुट भी चुकी सी, पर फिर मैं घर में ट्यूशन स्टार्ट कर दिती, तो मैं वह अच्छा रिस्पोंस मिले, तो टाइम भी वधिया पास हो जाता सी, तो पैसे भी बनते सी। पैसे भी मतलब मैटर नहीं करते, मैं जैसे एक्सपीरियंस लैन ली क्योंकि मैं चाहती सी कि मैं अगे जाके बी एड कराँ, तो उन्होंने मतलब मैं इन्ना डिसअपॉइंट किया, इन्ना तोड़ दिता उन्होंने इस बिहेव ने कि मैं बी एड नहीं की। जबकि जो मैं बी एड ना करके पी जी डिप्लोमा ड्रेस डिजाइनिंग के एडमिशन ले लिया कि मैं अपना ही कोई काम करूँगी, कि मैं इदा नहीं टाइम बर्बाद करना कि ये मैं रिजैक्ट करे या वो मैं रिजैक्ट करे, मैं अपना ही काम स्टार्ट करना है। सब ने मैनू उस वक्त इस गल तो टोकिया जिन्हें मैं चंगी तरह जानते सी, फ्रेंड सी, फैमिली सी, ते कि नहीं तेन बी एड करनी चाहती सी, ते मैं उन्होंने हमेशा यही कह के टाल दिता कि मैं बी एड नहीं करना चाहती क्योंकि मैं टीचर नहीं बनी। जबकि ये गल झूठ सी, मैं घर भी कभी ये सारिया गल् डिस्कस नहीं की। बहुत बार मैंने पूछा भी गया, बट मैं कभी कभी खुल के गल की जिन्हें वधिया तरीके हस के मैं अज गल कर रही हूँ, इदा मैं कभी की नहीं, मतलब ना ही किसी ने मेरे नाल गल करन दी कोशिश की, तो ना ही फिर मैं कभी पहल की। मैं लगता सी मेरी लाइफ आ जिदा दी भी आ, इनू मैं अपने हिसाब न हैंडल कर ली। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, डिजाइनिंग भी कर ली, उस तो बाद भी मैं अपने ट्यूशन का काम कंटिन्यू रखिया, ट्यूशन दिंदी रही मैं। फिर थोड़े टाइम के बाद पापा ने अपना काम स्टार्ट कर लिया, जनरल स्टोर, तो उन्होंने मैनू कहा भी मेरे नाल एज ए हेल्पर कोई आ जाए, मतलब थोड़े तिना च कोई आ जाए, वड्डी सिस्टर ही तो मेरी छोटी सी, तो मैं सोच लिया मैं क्या नहीं करना है क्योंकि अपना काम आ, तो मैं करना ही ये काम, ये काम वड्डा छोटा नहीं होंगे कोई गल नहीं, जो मैं ग्रेजुएट भी हाँ तो मैं करना ही करना है, तो मैं अपनी शॉप पर पापा को हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। पर फिर भी कई बार लोगों के बिहेव तो या अपनी लाइफ के वो पिछले एक्सपीरियंस में याद करके ना अखा भारी आती है। तो एक दिन मैं शॉप पर बैठी, मतलब एदा ही गर्मिया के दिन से, तो दोपहर में तो इन्ना कस्टमर होंगे नहीं क्योंकि साड़ी जी शॉप आ मार्केट के नहीं हैगी, साढ़े घर की एक साइड पर ही है, सो इन्ने कस्टमर होंगे नहीं, तो मैं बस उही गल सोचन लग गई कि मैं ही क्यों इदा हाँ, जे मतलब मैं भी नॉर्मल हाइट होंगी या जे मैं टीचर होंगी मैं बी एड कर ली, ये सारिया गल् सोच रही मैं रोन लग गई। तो थोड़ा देर रोन तो बाद मैं सोचा कि मैं अजे तक अपने आप को क्यों कैद करके रख रही, घर के घर च रहना, खुल के ना जीना, खुल के ना गल करना, अपनी लाइफ में इंजॉय ना करना, कि इस विच मेरी तो कोई गलती है नहीं कि मैं शॉर्ट हाइट हाँ, फिर मैं क्यों मतलब सारा कुछ सह रही हूँ, सारिया गल् मैं ही क्यों सुनाई जा रही हैं, मैं अपने आंसू खोज रही। उस दिन तो बाद इस गल को लेके मैं कभी नहीं रोई कि मैं शॉर्ट हाइट हाँ, इस चीज़ को मैं अपनी कमजोरी ना बना के अपनी ताकत बना ली। मैं ये सोचा मैं बाकियों तो डिफरेंट, चंगी गल, भीड़ का हिस्सा नहीं हैगी,
ना ही मैं होना चाहती सी कभी, तो फिर मैं अपने आप को मतलब क्यों कोसती हूँ, क्यों नफरत करती हूँ मैं अपने आप से। वो दिन से अज का दिन मैं अपने आप को प्रायोरिटी दिती, अपने आप को प्यार करना केयर करना स्टार्ट की, तो मेरी लाइफ टोटली बदल गई। इस गल को लेकर तो मैं कभी भी रोई कि मैं शॉर्ट हाइट हाँ, सगो मैं इस चीज़ को इंजॉय करा लगी कि मैं शॉर्ट हाइट हाँ। सारे ही मेरे वाल देखते, मैं अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्ट होंगे, लोग नोटिस करते हैं, फिर हौली हौली मतलब लोगों दी गल्लां दा मेरे उपर कोई असर नहीं होंदा सी, बिल्कुल भी नहीं। तो हुण भी जदों कोई इदां दा कोई क्वेश्चन करदा तो मैं नॉर्मली सगो उन्हें समझाने की कोशिश करती हाँ, क्योंकि मैं पता है कि साड़ी सोसाइटी इन चीज़ों को लेके अवेयर नहीं हैगी, अवेयरनैस ना होण करके ये सारा कुछ मैनू ही नहीं, वो सारे मेरे वर्गे शॉर्ट हाइट लोगों को सहना पैंदा है, सुनना पैंदा है, वो भी मेरी तरह ये सारा कुछ फेस करते हैं। तो क्यों ना मैं एक पेज क्रिएट कर लाँ फेसबुक पर, उस वक्त ये मेरे माइंड से चल रहा है। तो मैं उस वक्त सोच लिया कि असं छोटे घर के लोग हाँ, तो मैं इस ग्रुप के नाल लिटल पीपल रखना चाहिए। तो मैं फटाफट मोबाइल चुकया, तो मैं सोचा मैं हमने ये पेज क्रिएट कर लेना, फिर देखते अगे की होंगे। तो मैं जिदा ही फेसबुक पर लिटल पीपल ऑफ इंडिया लिखिया, मतलब लिखिया लिखिया गया मैनू नहीं पता लिखता मैं, तो उस वक्त एक पेज मेरे सामने है। मैं बड़ी खुश हुई जो मैं वो पेज देखा, मेरे प्राइवेट सीगा ग्रुप, पेज नहीं सी ग्रुप सी, हाँ ग्रुप ही है, तो प्राइवेट सीगा। तो मैं ज्वाइन करने ली रिक्वेस्ट पाती, ज्वाइन कर गई। तुसी यकीन मनियो मतलब मैं जिन्हें मैंबर से वो अंदर मैं टोटल तो हम याद नहीं, सब की प्रोफाइल देखी सब की, उतो मैं अच्छे फ्रेंड्स भी मिले, काफ़ी कुछ जानने को भी मिले। तो मेरे अंदर जो डर सी या हेजिटेशन सी जो भी सी सब खत्म हो गया, तो मैं अपनी लाइफ में इंजॉय करना स्टार्ट कर दिता। सब नाल बहुत सारे लोगों नाल गल्लां हुई, मतलब अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने भी मेरे नाल गल की, काफ़ी फर्क पै जाता है। तो वो दिन अज का दिन, तो मैं अच्छे थोड़े सामने खड़ी होकर अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस दस रही, जबकि इस टॉपिक पर मैं किसी के नाल भी गल करना पसंद नहीं करती सी। अज तक भी मैं कभी अपनी किसी सिस्टर या पेरेंट्स के नाल भी ये गल्लां शेयर नहीं की। मैं जो भी बाहरों मेरे नाल मिसबिहेव होंदा सी, मैं कभी घर आके डिस्कस किया ही नहीं, क्योंकि मैं लगता होंदा सी जे मैं दुखी हूँ घर गल करूँगी तो वह भी दुखी होना। सो मैं उस गल नूं उत्थे ही खत्म कर दिंदी सी, अपने अंदर ही कुटदी रहिंदी सी, पर हुण इदां नहीं, क्योंकि मैं अपनी सोच में बदल लिया, क्योंकि इहदे विच मेरी कोई गलती नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ शॉर्ट हाइट लोग, होर भी बहुत सारे लोग आ जिन्हें कमियां होंदियां आ, लोग इदां नहीं कि अवेयर नहीं हैगे या बिल्कुल ही नहीं पता हैगा, उन्होंने भी टोंट करते मजाक बनाते, जबकि ये गलत गल है। उन्होंने या साडे साडी कम्यूनिटी के किसी का भी कोई कसूर नहीं है कि असी किद्दां पैदा होंगे, हाँ किद्दां जींदे आ ये मैटर करते हैं। सो प्लीज़ कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। वैसे तो यह वाला जिहड़ा वीडियो अज मैं शूट कर रही हाँ, यह होना चाहिए सी मैं जो चैनल स्टार्ट किया फस्ट वीडियो, पर मैं उदों मतलब कितने ना कितने डर थोड़ा जिहा सी, इन्नी कॉन्फिडेंट नहीं सी, बोलते बोलते मैं रोन लग जाती सी, मतलब वो पुरानिया गल्लां जो याद आंदी सी तो रोना आ जाती सी। तो मैं नहीं सी चाहती कि मैं रोंदी हुई वीडियो बनाऊँ, जे मैं वीडियो शूट करते करते रो पी तो कितने ना कि मैं फिर वीक साबित कर देता, जबकि ये मैं हूँ नहीं सी देना चाहती। सो इस करके मैं वेट किया कि जो बिना रोए मैं सारिया गल्लां थोड़े नाल शेयर कर सकता, ये मैं वीडियो उस दिन ही शूट करता। सो अज मैं वीडियो शूट कर लिया, एज ए डवार्फ मैं तो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस में थोड़े नाल शेयर कर लिया, पर फिर भी जे थोड़े कोई क्वेश्चन आ तो मोस्ट वेलकम पूछ सकते हो, कमेंट कर दो, मैं उन्होंने रिप्लाई जरूर कर। मैं सारे ही ये गल कहना चाहनी हूँ कि जे तुसी अपनी जिंदगी नूं वधिया तरीके नाल जीना चाहते हो ना, तो अपनी लाइफ की किताब के लेखक आप बनो, तो अपनी जिंदगी के हर पन्ने नूं अपने हिसाब नाल लिखो। अज्ज दे लई बस इन्ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।